डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को पढ़ना। जैसा कि जानते हैं, क्लास 10th में हम लोग मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 13.2 यानी कि 13.2 के क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। और इस 13.2 के क्वेश्चंस यानी कि बोला जा रहा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के प्रश्नावली 13.2 के क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 6 तक के डिस्कस किया था बुक एनसीईआरटी से। चलिए आगे हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला जा रहा है, चलिए आपको क्वेश्चंस दिखाते चले। तो ये रहा हम लोगों का क्वेश्चंस। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है। तो पहले एक शंकु बनाना होगा जिसका ऊंचाई 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर। ये मान लीजिए कि एक शंकु है जिसका ऊंचाई, ये वाला जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई के बारे में बोला कि h बराबर 120 सेंटीमीटर होने चाहिए, ये वाला जो ऊंचाई है। और इसका त्रिज्या भाई, ये त्रिज्या R कितने रहने चाहिए, R रहने चाहिए 60 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर आगे क्या बोला, 60 सेंटीमीटर एक शंकु जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्ध गोले पर अध्यारोपित है। अब ये जो शंकु है ना, ये कितने पर स्थित है, तो अर्ध गोले पर स्थित है। तो एक तरीके का अर्ध गोला बना दिया, इसका भी त्रिज्या उतना ही होगा जितना कि शंकु का है, उसी पर अध्यारोपित है। चलिए यहाँ तक क्लियर है, यानी कि अर्ध गोले वाले के लिए त्रिज्या भी हम लोग 60 लेंगे, शंकु के लिए भी त्रिज्या 60 लेंगे, शंकु के लिए ऊंचाई लेंगे 120। फिर आगे बोलिए, देखिए क्या बोला जा रहा है, अध्यारोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन की तल्ली को स्पर्श करे। अब ये जो बर्तन है ना, इसको कहाँ डाल दिया जाता है, तो एक बेलनाकार बर्तन में। ये जो डाल दिया गया, इसको कहाँ डाल दिया गया, बेलनाकार बर्तन में, ताकि इसका जो टच कर रहा है, पेंदी को टच कर रहा है। ठीक है, देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो अभी हम लोग शंकु और अर्धगोला बनाए थे, इसको हम लोग कहाँ डाल दिए, तो एक बेलनाकार बर्तन में जो पानी से भरा हुआ था। आप देखते होंगे कि आप बाल्टी को क्या करो, पानी से भर दो और फिर एक कंकड़ पत्थर डालो, तो जितना कंकड़ डालेंगे उतना ही बाहर पानी निकलेगा, ये बिल्कुल फैक्ट है। आप गिलास में ना फुल पानी करके भर लो, उसको छोड़ दो, और फिर बड़ा बड़ा पत्थर ना उसमें एक पत्थर डालो, एक पत्थर डालोगे तो जितना पत्थर का आयतन होगा उतना ही बाहर पानी निकलेगा, यानी कि पानी बाहर आने लगेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि जब पत्थर को हम उसके अंदर डालेंगे तो जितना स्थान घेरेगा उतना ही बाहर पानी मिलेगा, बाहर निकलेगा। फिर अगर बड़ा पत्थर डालोगे तो बड़ा पत्थर का जितना आयतन होगा उतना ही बाहर पानी निकलेगा, क्योंकि पानी तो पूरा ऊपर तक के फुल है गिलास में। सेम यहाँ पे भी वैसा ही कुछ बोल रहे हैं, बोला जा रहा है कि पहले एक बर्तन बनाया, कैसा बर्तन भाई, तो एक अर्धगोला और एक शंकु को मिलाकर एक बर्तन बनाया था, और बेलन एक अलग था, बेलन में पानी हुआ भरा हुआ था पूरा फुल। अब उसमें हम लोग क्या किए, सीधे डाल दिए ये बर्तन को, ये ठोस को जो अर्धगोला और शंकु से बना हुआ था, ऐसा सीधा डाल रहे हैं ताकि उसका पेंदी को टच कर जाए, कौन, ये जो अर्धगोला वाला पार्ट है। फिर आगे क्या लिखता है, डाल दिया जाता है, सीधा डाल दिया जाता है कि बेलन को तल्ली को स्पर्श करे, बिल्कुल नीचे वाले को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहा है। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर। अब देखिए, बेलन के लिए भी बोला गया कि बेलन के लिए त्रिज्या कितनी है, तो बेलन के लिए भी त्रिज्या यहाँ पे बोला जा रहा है 60 सेंटीमीटर, और ऊंचाई का बात किया जा रहा है, तो बेलन के लिए ऊंचाई अगर बात किया जाए तो 180 सेंटीमीटर। ये हुआ देखिए बेलन के लिए। आप सभी के बारे में एकदम समझिए, दो जगह एच एच है, इसका मतलब क्या कि ये शंकु का ऊंचाई हो गया 120, पूरा बेलन का ऊंचाई हो गया 180। बेलन की त्रिज्या 60 है, अर्धगोला का त्रिज्या 60 है, और शंकु के लिए भी त्रिज्या 60 है। यहाँ पे आप मेंशन कीजिए सभी चीज़ों को,
फिर आगे लिखता है कि बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। अब बेलन में शेष आयतन कितना बचेगा, शेष पानी कितना बचेगा, उसका आयतन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे मेंशन कीजिए कि बेलन की, बेलन के लिए हम लोग बात करें तो बेलन के लिए ऊंचाई कितना है भाई, 180। बेलन के लिए त्रिज्या कितना है, 60 सेंटीमीटर। ये बेलन के लिए काम हो गया, ठीक है। फिर हम लोग अर्धगोले के लिए बात करें तो अर्धगोले के लिए लिखा जाए तो इसमें खाली त्रिज्या होता है, कितना त्रिज्या दिया है, 60 सेंटीमीटर। फिर बात कर लेते हैं शंकु के लिए, क्योंकि ये सब का मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि किसके लिए किसका किसका मान दिया है। तो शंकु के लिए ऊंचाई दिया है हमें 120 सेंटीमीटर, शंकु के लिए त्रिज्या दिया है हमें 60 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु के लिए ऊंचाई भी दिया है, शंकु के लिए त्रिज्या भी दिया है, बेलन के लिए ऊंचाई दिया है, बेलन के लिए त्रिज्या निकला है। अब हमको क्या बोल रहा है कि बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन का वैल्यू कितना होगा। तो बेलन में कितना पानी बचेगा भाई, तो पूरा बेलन के आयतन में से इस ठोस को घटा लेंगे, ये वाला ठोस का आयतन, कौन वाला ठोस, जो अर्धगोला और शंकु से मिलकर बना है, इसको हम लोग एक तरह का ठोस कह रहे हैं। तो बेलन का आयतन में से घटा लेंगे किसको, ठोस का आयतन, ठीक है। अब ठोस का आयतन का मतलब क्या है भाई, तो इसको बेलन का आयतन का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस, और ठोस के आयतन का मतलब कौन चीज, ठोस किसको कहा जा रहा है, तो अर्धगोला और शंकु दोनों को जोड़ेंगे तब ना मिलेगा ठोस का आयतन। तो यहाँ लिखिएगा कि अर्धगोले का आयतन प्लस शंकु का आयतन। तो याद रखिए कि यहाँ पे हम लोग जो है कुल मिलाकर अर्धगोले का आयतन और शंकु के आयतन को जोड़ रहे हैं, तो ये ठोस बन रहा है, और पूरा बेलन में से इस ठोस को घटा लेंगे तो बाकी इधर 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 पानी बचेगा, है ना। तो यहाँ से आप फार्मूला लगाइए पाई आर स्क्वायर एच माइनस ब्रैकेट में अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू प्लस शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखिए इस पाई के जगह पे कितना यूज करना है, तो पाई के जगह पे यहाँ पे कुछ नहीं बोला है कि कितना यूज करना है, तो पाई के जगह पे कितना लेंगे भाई, 22/7 इंटू ये आर, आर मतलब त्रिज्या। अब आपको लगेगा कि कौन सी त्रिज्या भाई, तो ये आर किसके लिए है, बेलन के लिए, तो बेलन के लिए त्रिज्या कितना लेना है, 60। तो यहाँ 60 का स्क्वायर कर दो आप, इंटू एच किसके लिए, बेलन के लिए, तो बेलन का ऊंचाई 180, ठीक है, माइनस फिर ब्रैकेट में 2/3, तो 2/3 रहेगा, 22/7 आर क्यू, तो किसका, अर्धगोले का ना त्रिज्या, तो यहाँ पे 60 का क्यूब कर देंगे प्लस 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर यानी कि 60 का स्क्वायर, लेकिन शंकु का ऊंचाई 120। आप क्या कीजिएगा, सबसे पहले इसको अलग सॉल्व कर लेना है, ठीक है, इसका वैल्यू अलग कुछ ना कुछ आएगा, और माइनस का माइनस करना है, पहले ब्रैकेट के चीज़ों को सॉल्व करते हैं ना दोस्त, पहले आपको यहाँ पे इसका वैल्यू निकालिएगा, फिर ये दोनों को काम क्रिया जोड़ लीजिएगा, ये दोनों को जोड़ लेना है, जोड़ कर जो आएगा तब इसमें से घटाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें से इसको घटा लेंगे और फिर इसको जोड़ लेंगे, तो फिर गलत आ जाएगा आंसर, क्योंकि ये ब्रैकेट्स है ना। तो सबसे पहले हम लोग बोर्ड मास के रूल्स में पढ़े हुए हैं कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम करते हैं, तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट का पहले इसका और इसका जोड़ लेना है, जोड़ने के बाद जो यहाँ आएगा तब घटाना है, ठीक है। तो इस तरीके से इन बातों का आप ज़रूर ख्याल रखिए। ये था हम लोगों को क्वेश्चन नंबर
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो 8 नंबर क्या क्वेश्चंस कह रहा है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8। ये है दोस्त क्वेश्चन नंबर 8, और इस 8 वाले क्वेश्चंस को भी हम लोग पढ़ते हैं। बहुत सारे तो लोग इरिटेट हो जाते हैं इतने बड़े बड़े क्वेश्चंस। अरे भाई बड़े क्वेश्चंस नहीं है, आप इनको ना अच्छे तरीके से समझो, अच्छे ढंग से समझो, इसका फिगर बना लो, बहुत क्लियर नजर आएंगी। बोला गया, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। आप समझो, यहाँ पे बोला गया कि एक ऐसा बर्तन है भाई जो गोलाकार है। बर्तन कैसा है? गोलाकार है। ये बर्तन है, ये गोला है, ठीक है, ये गोला है। तो गोला को दिखाने के लिए हम लोग ऐसे कर देते हैं ताकि लगेगा कि गोला है, नहीं तो ऐसे ब्रीत नजर आएगा ना। तो ये गोला हो गया। अब बोला जा रहा है कि एक ऐसा बर्तन है जो गोला तो है लेकिन इसका गर्दन बेलनाकार है। गर्दन मतलब ये वाला भाई, ये वाला ऊपर की ओर, ये वाला जो है ऐसा बर्तन, ये थोड़ा सा साइड में बन गया, थोड़ा सा फिगर गलत बन गया। मीन्स कि एक हाथ से शूट करना पड़ता है ना, थोड़ा सा बैलेंस नहीं मिलता है। चलिए अब कि आई होप कि अच्छा बने। ये हम लोगों को गोला नजर आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को, चलिए ये बहुत बढ़िया बना है ना। बोला गया कि एक गोला है और गोला के ऊपर एक बेलनाकार, देख रहे हैं, इसका गर्दन बनाया गया जो कैसा है, बेलनाकार है। ऐसा बर्तन है, सुराही वगैरह देखे होंगे ना, ऐसा ही रहता है। यानी एक तरह का बर्तन है भाई ये, जिसका गर्दन कैसा है, बेलनाकार है, और नीचे क्या है, गोलाकार है। ये फिगर गलत है, ये सही है। फिर क्या बोला गया कि एक गोलाकार कांच का बर्तन है जिसका बेलन का आकार का गर्दन है। यहाँ तक तो बन गया फिगर। जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है। जिसकी, ये जिसकी का मतलब क्या, बेलन की, यानी कि बेलन की ऊंचाई जो है हम लोगों को पता है, बेलन की लंबाई या ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है यहाँ से लेकर यहाँ तक। यानी है कि यहाँ पे हम लोग बात करें तो बेलन के लिए, बेलन के लिए क्या बात कर सकते हैं कि ऊंचाई, क्योंकि यही ना बोला गया कि बेलनाकार है जिसकी लंबाई, लंबाई का मतलब ऊंचाई, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या बोला गया, ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और व्यास 2 सेंटीमीटर, यानी कि बेलन के लिए ही व्यास दिया है भाई। व्यास दिया है कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। इसलिए त्रिज्या निकाल लो इसका, तो त्रिज्या आधा होता है, तो 2 का आधा कितना होगा भाई, 1 सेंटीमीटर। तो बेलन के लिए हमको 2 चीज़ें पता हो गया, एक ऊंचाई और एक त्रिज्या। फिर क्या नीचे है, नीचे फिर गोले हैं, गोले के लिए, क्योंकि नीचे जो है एक गोला स्थित है। इसके बारे में क्या बोला, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। अब देख लो ना भाई, ये जो गोलाकार भाग है इसका व्यास दिया है, व्यास कितना, 8.5 सेंटीमीटर। तो इससे तुम त्रिज्या निकाल लो कि गोले की त्रिज्या कितना होगा। तो व्यास का आधा होता है, तो व्यास में ना हम 2 से भाग कर देंगे, तो 4.25 आएगा भाग करने से सेंटीमीटर। फिर क्या बोला जा रहा है, इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने यह ज्ञात किया गया कि इस बर्तन का आयतन कितना है, 345 सेंटीमीटर क्यूब। जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं है, यह मानते हुए कि उपरोक्त मापन आंतरिक मापन का वैल्यू, पाई का वैल्यू यूज रखना है, -33.14। देखो अब सवाल क्या है, अब बोला गया सवाल यही इतना बोल रहे हैं, ऐसा तरह का एक बर्तन है, ठीक है, बेलन भी है ऊपर और नीचे में गोला है। अब बोला जा रहा है कि इसको जो है इसमें एक बच्चा जो है पानी भरता है, और पानी का माप करता है वो कितना, 345 सेंटीमीटर क्यूब। वो आयतन निकालता है तो 345 सेंटीमीटर क्यूब आता है। अब आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि क्या उस बच्चा का जो आयतन है वो सही है या गलत है।
तो यहाँ पे कुल आयतन हम लोग निकालेंगे, और कुल आयतन यानी कि बर्तन का आयतन निकालने के लिए गोला का आयतन और बेलन के आयतन दोनों के आयतन को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तब पूरा बर्तन का आयतन हमें निकल जाएगा। तो अगर पूरा बर्तन का आयतन अगर निकालेंगे हम लोग और हम लोगों का भी 345 आ गया, तब बोलेंगे कि उस बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया बर्तन का आयतन सही है। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को इसमें क्या करना है, हम लोगों को इसमें करना है सिर्फ क्या कि सही है कि गलत है। तो आयतन कितना आना चाहिए, 345। अगर भाई कुल आयतन 345 आ गया तो आप लिखिएगा कि उस बच्चे द्वारा ज्ञात किया गया बर्तन का आयतन सही है या फिर नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, बर्तन का आयतन, बर्तन का कुल आयतन, कुल आयतन निकालने के लिए आप देख पा रहे होंगे बर्तन तो दो चीज से बना है, एक गोले के आयतन और एक बेलन के आयतन, तो दोनों के जोड़ देंगे, गोले का आयतन प्लस बेलन का आयतन। अब आपको हम फार्मूला बता चुके हैं भाई, गोला का आयतन का फार्मूला कौन सी होता है, 4/3 πr³, और बेलन का आयतन कितना होता है, πr²h। अब यहाँ पे देखिए 4/3 तो 4/3 रहेगा, पाई के जगह पे सवाल बोला कितना रखने के लिए, 3.14, और गुने आर का क्यू। अब ये आर मतलब कौन सी होता बाबू, त्रिज्या, और त्रिज्या किसका, गोले का, तो गोले का त्रिज्या कितना आया है हम लोगों का, 4.25। ठीक है, फिर प्लस, फिर से पाई का मान कितना रखनी है, 3.14 गुने आर का स्क्वायर, किसके लिए भाई, बेलन के लिए, तो बेलन के लिए त्रिज्या 1, तो 1 का स्क्वायर, एच किसका, बेलन का, तो बेलन का ऊंचाई 8। तो आप इसका वैल्यू निकालिएगा, इसका वैल्यू गुना कर लेना है सबसे पहले, और फिर बाद में इसका जितना गुना करके आएगा, इसका जितना गुना करके आएगा, दोनों को जोड़ देना है। अच्छा, अब जोड़ने के बाद अगर कहीं ना कहीं 345 पूरा पूरी आ गया, ध्यान से सुनिए, अगर आ गया तो आप उसके नीचे आंसर में लिखिएगा कि उस बच्चे द्वारा या एक बच्चे द्वारा या सिर्फ बच्चे द्वारा मापा गया बर्तन का आयतन सही है, लिख देंगे। अगर 345 के अलावा कुछ और आ गया, 344, 346, 370, मतलब ये नहीं आया 345, तब आप लिखिएगा उस बच्चे द्वारा मापा गया बर्तन का आयतन गलत है। ठीक है, तो सही है कि गलत है यही आपको बताना है, और पाई का वैल्यू यहाँ यूज करना है 3.14। तो दोस्त फिर मिलते हैं अगले वीडियोस में, अगले क्लास में। ये हम लोगों को एक्सरसाइज पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज 13.2। अगले क्लास में हम 13.3 के साथ मिलेंगे, अगर हो सके तो, अगर उसके लिए कुछ फार्मूला कुछ थ्योरी होगा उसको भी हम बताएंगे। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।